कि आप हरियाणा वाले, हरियाणा के रहने वाले हो और 10 साल से बजा रहे हो, और 10 साल से मतलब आप यही कर रहे हो, उससे पहले क्या करते थे? कुछ नहीं करता था, बस यही चला। तो आपका पैसा नहीं है या वैसे ही बजाते हो? पहले तो मैं अपना ये बैच वैचों का काम खेती वेती में करता था भाई। अच्छा, तो आने अभी तो आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो एक तो काम कर रहा है बड़े वाला, कोई इसका परिवेशी का काम करता है। तो आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी संगीत में आए या कुछ और संगीत में करें? करते नहीं होंगे, सबके बच्चे का थोड़ा संगीत यार, ये तो गुरु वाला देता है तो संगीतकार बनता है, ये थोड़ा बनता है, सीखने से संगीत नहीं आता है ज़्यादा। संगीत तो हमारा जो है सब यूट्यूब पर सबको नहीं आता है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूं और एक इसकी वैल्यू मैं जानता हूं क्या है। सो आप मुझे कोई ऐसी हिंदुस्तानी कोई सॉन्ग बजा के दिखा सकते हो? कोई क्या व्यवहार है, हिंदुस्तानी तो है, बताओ मतलब कौन कोई भी ऐसा कोई गाना हो, जैसे कि वो था, अगर देखा जाए तो मूवी में जैसे कि हमारे जग्गू दादा बजाते हैं, कोई भी गाना बजाओ आप अपने हिसाब से। छोटू कोई गाना है तेरे को? अरे ये बजाओ, परदेसी परदेसी जाना नहीं। वाह अंकल जी, एक और अंकल, एक और हो, बहुत हार्ड अंकल। तेरी महबूबा, और पास से भी
लॉर्ड अंकल अंकल क्या कंट्रोल है आपका दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडिया में टैलेंट बहुत है सो अंकल 10 साल से आप बजाते आ रहे हो ना वो खाली गिटार वाले गाने वाले है तीन आदमी सेलेक्ट हो अच्छा बट एवर जो भी है देखा जाए तो टैलेंट बहुत है भाई मेन चीज़ तो है और अगर देखा जाए तो हमारे अंडरग्राउंड की बात करें तो अंडरग्राउंड में ऐसे बहुत से टैलेंटेड है सो देखिए पब्लिक भी मानती है ना एंड अगर देखा जाए तो शायद ये इस तरफ इंडिया है और इस तरफ भारत है जो गाँव में बसता है यही चीज़ की जो खाई है आई थिंक ये कभी भर पाए बट मेरा मकसद यही रहता है टैलेंट ढूंढो और आगे बढ़ो थैंक यू अंकल जी रियली मैं सच में थैंक यू अंकल बाय गाइस